सिंहारा थाना क्षेत्र के बढ़नपुर मार्ग पर मंगलवार देर रात करीब 2 बजे 2.5 लाख के फरार इनामी बदमाश आदित्य राणा और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें आदित्य सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को CHC सिंहारा लाया गया। यहां आदित्य राणा को मृत घोषित कर दिया गया जबकि अन्य का उपचार जारी है। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया जहाँ उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपये का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन बिजनौर पुलिस द्वारा किया जा रहा। हमारी टीम लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हम करेंगे। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई बिजनौर पुलिस द्वारा की जा रही है। थैंक यू।